Hello and welcome to Priya Career Institute's English class या video main course of competitive English के लिए है और आज का topic है kinds of adverbs। तो आइए adverb की definition को समझते हुए हम kinds of adverbs से आज का video start करते हैं। Adverb वह शब्द होता है किसी भाषा या English में, not किसी भाषा में। एडवर्ब इंग्लिश में वह शब्द होता है जो किसी वर्ब या फिर किसी एडजेक्टिव या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही रन्स फास्ट, तो यहाँ पर फास्ट रन्स को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए एडवर्ब है। दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, यहाँ वेरी इंटेलिजेंट जो कि एडजेक्टिव है को क्वालिफाई कर रहा है, तो वेरी एडवर्ब है। एंड यू आर स्पीकिंग लिटिल स्लोली, तो यहाँ पर स्लोली को, स्लोली एडवर्ब है एंड स्लोली को क्वालिफाई करता हुआ वर्ड लिटिल है, तो यहाँ लिटिल भी एडवर्ब है। तो इस तरह से एडवर्ब की डेफिनेशन और एग्जाम्पल को समझते हुए आई एम स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स से। तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स मीन्स कितने प्रकार के एडवर्ब्स होते हैं। तो देर आर नाइन काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स नौ प्रकार के होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, शोइंग टाइम, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब ऐसा एडवर्ब जो टाइम को शो करता है, दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी समय की ओर इंगित करने वाला, यानी कोई काम कब हो रहा है यह बताने वाले एडवर्ब को हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं, यह बताने वाले शब्द को हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। The following are the more common adverbs of time. ये जो निम्नलिखित adverbs या नीचे जो शब्द लिखे हुए हैं, जो following words, तो ये adverbs of time के प्रमुख example हैं। जैसे for example, now, now, then, before, now means अभी, then means तब, before means पहले, से पहले, after, since, ago, सून, लेट, लेट मतलब विलंब से, अर्ली जल्दी या जल्दी से, प्रेजेंटली, प्रेजेंटली का मतलब होता है इस समय, थोड़ी देर में, कुछ ही वक्त बाद, आजकल, अभी, ये प्रेजेंटली का मतलब होता है, इंस्टेंटली, इमीडिएटली, ऑलरेडी, आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स का मतलब होता है बाद में, फिर उसके बाद, तदुपरांत, नेवर, वेन, वेन एवर, टुडे, टुमोरो, यस्टरडे, एवर, एवर का मतलब होता है कभी। देन इज नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब शोइंग प्लेस, वेयर, वेयर मीन्स कोई काम कहाँ हुआ, तो कोई काम कहाँ हुआ जिन शब्दों से पता लगता है वे शब्द एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। The following are the more common adverbs of place. जो निम्नलिखित हैं वे ज्यादा कॉमन एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हैं। हियर, देयर, वेयर, हेंस, हेंस मतलब यहां से एडवर्ब ऑफ प्लेस में, वैसे इसका मीनिंग अब से, अतः, इस वजह से, ये भी हो जाएगा, लेकिन एडवर्ब ऑफ प्लेस के अर्थ में इसका मीनिंग यहां से ही होगा। देंस, देंस का मतलब इधर से, उधर से, वहां से, यहां से, ऐसे भी हो सकता है, इसके बाद, ये भी मीनिंग होते हैं, लेकिन एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में इधर से, उधर से, वहां से, यहां से, यही मीनिंग होगा। देन हिदर, हिदर मतलब इधर, यहां, इस स्थान पर, इसका हिदर का मीनिंग है। दिदर, तो दिदर का मीनिंग भी क्या है, दिदर का मीनिंग भी यही है, इधर उधर, दिस इज इन, आउट, विद इन, विदाउट, अबव, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, फार, नियर, एवरीवेयर, अवे, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, तो ये सभी एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं और एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल्स हैं ये सभी। देन द थर्ड वन इज एडवर्ब ऑफ नंबर। तो एडवर्ब ऑफ नंबर शोइंग हाउ ऑफन, मतलब कोई काम कितनी बार हुआ, कितनी बार हुआ। जैसे मैं दिन में 4 बार खाना खाता हूँ,
वह बहुत कम बोलता है या वह कभी कभार बोलता है, इस तरह के शब्दों को हम एडवर्ब ऑफ नंबर कहते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी हम इसको डायरेक्ट कह सकते हैं, मतलब कोई काम कितनी बार हुआ, मतलब बारंबारता। फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता बताने वाले, कोई काम कितनी बार हुआ या बताने वाले जो भी शब्द होते हैं वो एडवर्ब ऑफ नंबर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाउ ऑफन, वंस, वंस मतलब एक बार, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दो बार, तो थ्राइस, ऑफन, सेल्डम, सेल्डम मतलब पहले तो, या पहले पहल, या पहले ऐसे भी हम कह सकते हैं, तो सेल्डम। फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली भी मतलब बार बार, एक निश्चित फ्रिक्वेंसी के बाद। रेयरली, अगेन, अगेन मतलब दोबारा से, पुनः। ऑलवेज हमेशा, फर्स्टली, सेकंडली, थर्डली, समटाइम्स, तो ये सभी क्या है, ये सभी एडवर्ब्स ऑफ नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। फोर्थ इज एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी डिग्री। क्वांटिटी डिग्री मतलब शोइंग हाउ मच, यह बताते हुए, यह बताने वाला कितना। तो जिस तरह से कोई काम, देखिए कोई काम कब हुआ एडवर्ब ऑफ टाइम, कोई काम कहाँ हुआ एडवर्ब ऑफ प्लेस, कोई काम कितनी बार हुआ एडवर्ब ऑफ नंबर, और कोई काम कितना हुआ, जैसे हुआ बहुत कम खाता है, हुआ बहुत कम बोलता है, तो कम बोलता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। कितना बोलता है, कम बोलता है, कितना खाता है, कम खाता है, तो कम खाता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, तो कम काम करता है, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री, तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ डिग्री इसी को हम कहते हैं। शोइंग हाउ मच, कितना, जिससे हमें कितना का उत्तर मिलता हो उसको हम एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं। दी फॉलोइंग आर दी मोर कॉमन एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी और डिग्री, मतलब निम्न जो नीचे लिखे हुए शब्द है ये अधिकांशतः प्रयोग किए जाने वाले एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी या एडवर्ब्स ऑफ डिग्री है। जैसे टू, ऑलमोस्ट, फुली, वेरी, इनफ, या ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, अधिकतर, करीब करीब, ठीक है। फुली, वेरी, इनफ, सो, ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर का मतलब होता है कुल मिलाकर, पूर्ण रूप से। एंड नो बेटर, नो बेटर का मतलब होता है बेहतर नहीं, अच्छा नहीं, मतलब इससे अच्छा नहीं, इस तरह से कहेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ नो बेटर कहेंगे तो अच्छा नहीं, अच्छी नहीं, अच्छा नहीं, या बेहतर नहीं। प्रिटी वेल, प्रिटी वेल मतलब बहुत बढ़िया, लगभग। एंड एनी, क्वाइट, रादर, पार्टली, होली, एज, डॉट 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 एज, तो यह रादर का मतलब कुछ, कुछ अधिक तत्परता से, कुछ अपेक्षा, ऐसे कहते हैं रादर का मतलब होता है। जब इसका प्रयोग करेंगे सेंटेंसेस में तो समझ पाएंगे। देन इज एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब होता है शोइंग हाउ और इन व्हाट मैनर, मतलब यह दिखाते हुए कि कैसे कोई काम होता है, किस तरह से काम होता है। इन व्हाट मैनर मीन्स इन व्हाट वे, मैनर का मतलब यह क्या है, इन व्हाट वे, तो एडवर्ब ऑफ मैनर मतलब शोइंग हाउ, यानी काम कैसे होता है। फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि कोई काम कब होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, कोई काम कहाँ होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, कोई काम कितनी बार होता है एडवर्ब ऑफ नंबर, कोई काम कितना होता है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एंड कोई काम कैसे होता है, इसका उत्तर देने वाले कैसे होता है, इसका उत्तर देने वाले एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। जैसे हुआ रोते हुए बोला, तो कैसे बोला, रोते हुए बोला। हुआ सीटी बजाते हुए आया, तो कैसे आया, सीटी बजाते हुए आया। हुआ प्रसन्नता से उछल पड़ा, कैसे उछल पड़ा, प्रसन्नता से उछल पड़ा। वह बहादुरी से लड़ा, तो कैसे लड़ा, बहादुरी से लड़ा। तो ये कोई काम कैसे हुआ, इसका उत्तर देने वाला जो शब्द होता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। प्रमुख एडवर्ब्स ऑफ मैनर यहाँ इस प्रकार है, जैसे चेयरफुली, अनविलिंगली, क्लियरली, साउंडली। यहाँ साउंडली का मतलब क्या होता है, साउंडली का मतलब दृढ़ता से, और प्रतिपादित ढंग से, या साबित रूप से, या स्वस्थ रूप में, ऐसे कह सकते हैं। तो साउंडली, स्ट्रांगली, ब्रेवली, हार्ड, दस, सौ, कावर्डली, एंड इससे आगे चलेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल्स इधर भी, दूसरी तरफ भी हैं।
तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको हल्का सा वेट करना होगा. यस, तो अब है स्लोली, क्विकली, एक्टिवली, फास्ट, नोबली, प्राउडली, लविंगली. ये सभी क्या है? ये सभी एडवर्ब्स ऑफ मैनर के एग्जाम्पल्स हैं. नंबर सिक्स, एडवर्ब ऑफ रीजन और कॉज. एडवर्ब ऑफ रीजन और कॉज मतलब कारण दिखाने वाले, शोइंग रीजन. रीजन मतलब कारण दिखाने वाले, कॉज दिखाने वाले, यानी अर्थात कोई काम क्यों हुआ. तो कोई काम क्यों हुआ, द फॉलोइंग आर दी मोर कॉमन एडवर्ब्स ऑफ रीजन और कॉज. जैसे इस वजह से, परिणाम स्वरूप, इस वजह से, इसके कारण, इसलिए. तो ये सभी क्या दिखाते हैं? ये वह इसलिए आया, वह इसलिए चला गया, वह इसलिए बोला, वह इसलिए लड़ा. तो इसलिए हम जो है, क्योंकि तुमने कोई काम किया था इसलिए वह लड़ा. तो इसलिए यह क्या है? कारण बताने वाला है. इस तरह से ओइंग टू, ड्यू टू, कॉन्सिक्वेंटली, हेंस और देयर फॉर, ये सभी क्या है? ये कारण दिखाने या बताने वाले एडवर्ब्स हैं. तो इनको हम एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं. इसी तरह से सेवंथ, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन. एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, शोइंग यस और नो. मतलब यह दिखाने वाले के काम हुआ या नहीं हुआ, मना करने वाले और स्वीकार करने वाले. तो उनको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन. तो ये जो अफर्मेशन और निगेशन के जो एग्जाम्पल्स हैं, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, तो यस, नो, नॉट, सर्टनली, सर्टनली नॉट, ये, मे, बाय ऑल मीन्स. तो ये सभी अफर्मेशन और नेगेशन के एग्जाम्पल्स हैं. इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, प्रश्न पूछने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं. इसके भी जो ये जो नीचे लिखे हुए शब्द है, ये इसके प्रमुख एग्जाम्पल्स हैं. जैसे वाई, वेन, वॉट, वेयर, हाउ, हाउ मैनी, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, वेन्स, वेदर, वॉट, वेयर फॉर, ये सभी इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हैं. एंड रिलेटिव एडवर्ब शोइंग रिलेशनशिप, एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एडवर्ब शोइंग रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप दिखाने वाले कि किसके साथ क्या रिलेशन है. दीज एडवर्ब्स शो रिलेशनशिप इन फॉर्म, दे आर लाइक इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स. वे एक फॉर्म में तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स जैसे होते हैं, लाइक रिलेटिव एडजेक्टिव्स. जिस तरह से रिलेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, इसी तरह से फॉर्म में ये भी इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं. फॉर्म में तो दे मस्ट हैव एन एंटीसीडेंट, लेकिन उनके पास क्या होता है? लाइक रिलेटिव एडजेक्टिव्स, दे मस्ट हैव एन एंटीसीडेंट, यानी जिस तरह से रिलेटिव एडजेक्टिव्स का एक एंटीसीडेंट होता है, यानी पूर्वगामी शब्द होता है, कि एडजेक्टिव्स का कोई एक शब्द, जो रिलेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं उनका कोई एक शब्द होता है जो उनसे पहले आता है, ठीक उसी तरह से इनका भी एक एंटीसीडेंट होना चाहिए. एंड द एडवर्ब मस्ट रेफर टू दिस एंटीसीडेंट, और एडवर्ब इस एंटीसीडेंट से रेफर करना चाहिए, यानी संबंध स्थापित करना चाहिए, संबंधित होना चाहिए. इफ देयर इज नो एंटीसीडेंट बिफोर इट, अगर इसका कोई एंटीसीडेंट नहीं है इससे पहले, इट वुड बिकम इंट्रोगेटिव एडवर्ब. तो यह इंट्रोगेटिव एडवर्ब बन जाएगा एंड नॉट रिलेटिव एडवर्ब. तो और यह रिलेटिव एडवर्ब नहीं रहेगा. द मोर कॉमन रिलेटिव एडवर्ब्स आर दीज, अधिकांशतः प्रयोग किए जाने वाले रिलेटिव एडवर्ब्स इस प्रकार हैं. देखिए, ये जो ऊपर लिखे हुए थे इंट्रोगेटिव एडवर्ब के रूप में, वही यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब है. अगर हमने व्हाट इज, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू ईटिंग, अगर इस तरह से हमने पूछा है, तब तो ये क्या है? तब तो ये रिलेटिव, तब तो ये इंट्रोगेटिव है. लेकिन अगर हमने इसके साथ इसका एंटीसीडेंट लगा दिया, द क्वेश्चन व्हाट यू आर आस्किंग, अगर हमने इस तरह से कह दिया, तो यहाँ पर ये रिलेटिव हो जाएगा. इसी तरह से व्हेन, 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 व्हेन आर यू गोइंग, व्हेन डू यू ईट, व्हेन डू यू रीड, अगर मैंने इस तरह से पूछा, तब तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है.
लेकिन द टाइम व्हेन यू कम, इस तरह से मैंने कहा, तो यानी इसका जो एंटीसीडेंट है वो क्या हो गया, टाइम। तो इससे पहले इसका एंटीसीडेंट यानी जिस शब्द के लिए मैंने इसका प्रयोग किया है उसी शब्द, वह शब्द इसके ठीक पहले ही आ गया, तब ये हो गया रिलेटिव एडवर्ब। इसी तरह से द प्लेस वेयर यू रीड, द प्लेस वेयर यू, द प्लेस वेयर यू स्टडी, तो यहाँ पर द प्लेस वेयर यू वर बॉर्न, वेयर यू वर बॉर्न, तो ये जहाँ पर कहाँ, वेयर आर यू स्टडिंग, वेयर आर यू स्टैंडिंग, तो यहाँ पर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, तो जब क्वेश्चन पूछा वेयर आर यू स्टैंडिंग और किसी स्थान की तरफ इशारा नहीं है, तब तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया। लेकिन द प्लेस वेयर यू वर बॉर्न, वह स्थान जहाँ तुम पैदा हुए थे, तो इस तरह से मैंने कहा, तो यानी द प्लेस, ये वेयर शब्द का प्रयोग ही प्लेस के लिए हुआ है और प्लेस शब्द भी इससे ठीक पहले आ ही गया, तो इसलिए क्या है, ये रिलेटिव एडवर्ब हो गया। इस तरह से वेयर यहाँ क्या है, रिलेटिव एडवर्ब हो गया। इसी तरह से वाई, अगर इसका द रीजन वाई इस तरह से हमने कहा, तो द रीजन आ गया इससे पहले, तो इसका एंटीसीडेंट हो गया, तो इसलिए यह रिलेटिव एडवर्ब हो गया। और वाई आर यू स्पीकिंग, अगर मैंने ऐसे कहा, तो ये रिलेटिव इंट्रोगेटिव हो गया। हाउ डू यू वर्क, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। लेकिन अगर द वे हाउ यू वर्क, द वे हाउ यू ईट, अगर मैंने इस तरह से कहा, तो इसका एंटीसीडेंट क्या हो गया, द वे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसलिए ये रिलेटिव एडवर्ब्स हो जाएगा। इसी तरह से वेंस, वेदर, वॉट एवर और वेयर एवर का प्रयोग होता है। इसी तरह से ये क्या होते हैं, जहां से तुम, जब से तुमने कहा वेंस, तो इस तरह से वेदर और वॉट एवर और वेयर एवर, ये अपने आप में रिलेटिव एडवर्ब्स हैं, तो इस तरह से इनका प्रयोग होता है। तो दीज, ये थे आपके एडवर्ब्स, रिलेटिव एडवर्ब्स और काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, एंड इससे अगला वीडियो, तब तक इसकी प्रैक्टिस करिए बहुत, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो पर हम चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।